फिर हमने एक बार रखा साजन का संबंध, तो भी बुद्धि नहीं चलती थी। अब पति पत्नी क्या संबंध, अब थॉट नहीं क्रिएट होता था, हमें चिंता नहीं कैसे करें। तो भक्ति तो बहुत की थी, तो पार्वती और शंकर के संबंध का पता था, शंकर पार्वती हिमालय धवल वस्त्र वो, राम सीता का भी पता था, तो हम मैं सीता वो राम, मैं दुर्गा वो शिव, बहुत जबरदस्त वो अनुभव थे। माना मैं उस समय सेंटरों के 200 किलोमीटर मोटरसाइकिल में गांव की सेवा गीता पाठशालाओं में चक्कर लगाते थे। मैं लिटरली आपको बताऊं, जब मैं दुर्गा हूँ संकल्प करता था तो प्रैक्टिकल जैसे ना एक सेकंड में मेरा स्वरूप जैसे जैसे मेरा सूक्ष्म शरीर पूरे आकाश तक ऊंची पहाड़ी तक छू रहा है पूरा, और पूरा जैसे ना ऊंची पहाड़ी पर मेरे और अष्टभुजा सारे मुकुट सारी वस्त्र चेन, जैसे वो दुर्गा शब्द संकल्प करते ही जैसे ये मोटरसाइकिल जैसे शेर की सवारी है, तो मोटरसाइकिल में नहीं हूँ शेर की सवारी में हूँ जैसे, तो प्रैक्टिकल ऐसे दुर्गा बहुत ऊंची पहाड़ी पर मैं स्थित हूँ, बहुत सब आत्माएं वार्ताल में छोटे छोटे टिमटिमाते सितारे, जय माता दी जय माता दी, जैसे वो गर्भगृह की खुशबू वो प्रैक्टिकल अनुभव होते, वो आवाजें बाबा कहते हैं ना कि आवाज सुनाई देती है भक्तों की, बोलते हैं ना बाबा बच्चे आवाज सुनाई देती है भक्तों की। तो एक एक संबंध को जीना, और वो साधन ऐसा है देवहान वाली सजनी उसको पसंद नहीं है, देवहान आए गाय है ना, उसको शुद्ध पवित्र आत्म अभिमानी ही सजनी उसको पसंद है। उस पर हमने फिर गीत भी लिखा था, वो लिख के देंगे हम बहन जी को अपनी, ठीक है ना, वो गीत हमने फिर लिखा था उस पूरे संबंधों के अनुभव में, बहुत प्यारा वो दौर। तो कहने का मतलब है, और जब हम सीता और राम के संबंध में इतनी निश्चिंता आ जाती थी, मैं सीता हूँ ये संकल्प इतना निश्चिंत कर देता, एक संकल्प और मेरा का राम मेरा साथी है मैं सीता, तो कर सकते हैं एक एक संबंध का अनुभव, जी सकते हैं, हाँ बन सकते हैं।